वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जिंक को गैल्वेनाइजेशन, ड्राई सेल और कॉस्मेटिक्स में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम दूसरे मेटल्स के ऊपर जिंक का कोटिंग करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिंक इज वेरी स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, जिसके कारण किसी भी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जिंक का कोटिंग करवाना बहुत इजी है, क्योंकि जिंक बहुत इजीली कैटायनिक फॉर्म बना देता है अपने मोल्टेन स्टेट में, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं आयरन के ऊपर जब आप जिंक का कोटिंग करते हैं तो जिंक आयरन को ज्यादा यूजफुल बना देता है बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। सिमिलरली वी यूज जिंक कोटिंग ऑन अदर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ड्राई सेल्स और बैटरीज। सो जैसा कि हमने देखा जिंक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, वो भी वेरी स्ट्रांगली, तो हम लोग ड्राई सेल्स लाइक पेंसिल बैटरी में इनर कवर या इनर बॉडी के रूप में जिंक मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। वहां पर जिंक जो होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, उसको नेगेटिव पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, ठीक है। कैसे? जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल लेगा और जो रॉड है वो नेगेटिव पोटेंशियल का हो जाएगा। दैट इज व्हाई ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ जिंक वी यूज बॉडी टू मेड अप ऑफ जिंक ऑफ ड्राई सेल्स विच इज गिवन नेगेटिव पोटेंशियल। नाउ जिंक इज ऑल्सो यूजफुल इन कॉस्मेटिक्स, स्पेशली फेस क्रीम्स। फेस क्रीम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है लैक्टो कैलामाइन। लैक्टो कैलामाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जिंक कार्बोनेट, जो कि जिंक के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, एंड दिस इज व्हाई जिंक इज वेरी यूजफुल फॉर कॉस्मेटिक्स, स्पेशली इन फेस क्रीम्स। थैंक यू।